हूँ दोस्तों, मेरा नाम जर्शन मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वन प्लस 9 प्रो के अंदर एंड्रॉयड 12 का अपडेट जो है वो आ चुका है, और ये जो है वो कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है वन प्लस की पूरी हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि अब जो है ये लोग ऑक्सीजन OS से शिफ्ट होके कलर OS के ऊपर जा रहे हैं। अब आप इस वाले अपडेट को चलाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप कलर OS चला रहे हो, तो अच्छी वाली बात तो ये है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो। लेकिन इसका पूरा का पूरा कोड जो है, जो सोर्स कोड है, वो कलर OS पर ही बेस्ड है। तो अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हो तो आपको जो है वो साफ पता पड़ जाएगा कि कलर OS पर ही चल रहा है। हालांकि OnePlus ने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि ऑक्सीजन OS के कुछ कुछ जो फीचर्स हैं, एस्थेटिक फीचर्स हैं, उसको रिटेन करते हुए चलने की, बट फिर भी जो है वो काफी ज्यादा लेवल पे जो कोर OnePlus यूजर्स हैं काफी ज्यादा टाइम से, इंक्लूडिंग योर्स ट्रूली, वो लोग जो है वो साफ चेंज जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है अपडेट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए डाइव होते हैं अपडेट के अंदर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट इंप्रेशंस जो है वो देख सकते हो। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्स भी बताऊंगा और प्रोज भी बताऊंगा। कॉन्स जो है वो थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए जो है मैं उनको पहले बताऊंगा, प्रोज जो है वो थोड़े से बाद में बताऊंगा। इसलिए इस वाली वीडियो को जो है वो पूरा का पूरा देखना, यही मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो है वो ओवरऑल यूजर इंटरफेस है। सिस्टम लॉन्चर आपका जो है ज्यादा डिफरेंस है महसूस नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये वाली क्लॉक जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एंड्रॉइड 12 की डेजिग्नेटेड क्लॉक है, लेकिन ये इसके अंदर आती नहीं है। आपको जो है वो विजेट्स के अंदर से ऐसी वाली क्लॉक जो है वो देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड वाली वॉच होती है। तो ये वाला जो आपको अगर डालना है, तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड्रॉइड 12 क्लॉक, उससे जो है आप इस वाली वॉच को चला सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा पहले आप देख सकते हो ये कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है। आगे बात करूं तो अगर आप इधर से स्लाइड करते हो तो फिर आपको OnePlus 12 जो है वो खुलता है नया का नया, और आप इधर की तरफ से स्लाइड करते हो या फिर होम स्क्रीन के बीच में से स्लाइड करते हो तो फिर आपका नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। अब नोटिफिकेशन पैनल में भी आप चेंज जो है वो देख सकते हो। ये जो है वो एंड्रॉइड 11 का नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मोटोरोला के स्टॉक एंड्रॉइड जो कि 95% स्टॉक एंड्रॉइड है, उसके अंदर भी जो है वो आपको वाला नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ साथ आपको मेन इशू इसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि लॉक स्क्रीन का, जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे LTPO जो स्क्रीन है, जो LTPO टेक्नोलॉजी सेकंड की सुई चलती थी, वो भी जो है वो गायब हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे कोई सी भी सेकंड की सुई नहीं चल रही है, ये जो है वो एंड्रॉइड 11 के अंदर जो है वो चलती थी। और अब जो है मैं इसको ऑन करूंगा तो अब ये थोड़े से टाइम के लिए वेट करेगा, मुझे नहीं पता क्यों, और उसके बाद जाके ऑन होएगा, तब मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये वाला इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और देखो एक अजीब सी लो ब्राइटनेस के अंदर जो है ये जा चुका है, मैं इसको ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो है वो नॉर्मल आएगा। बाकी मुझे समझ नहीं आ रही, दो तीन इशूज़ जो हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर हैं, अभी तक जो है वो स्टेबल अपडेट OnePlus वाले नहीं दे पाए हैं, इसके बावजूद कि वो लोग जो है वो स्टेबल अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, और वापस से ये वाले अपडेट जो है वो रोल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ मैं इस वाले अपडेट को जो है वो 3 दिन से चला रहा हूँ। ये एक चीज़ जो है वो कम करी, जब नोटिफिकेशन पैनल स्लाइड करता था, ये वॉलपेपर जो है वो जूम इन जूम आउट होता था, अब वो वाली चीज़ भी जो है वो होना बंद हो चुकी है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार लेवल्स पर घटती भी जा रही हैं और इंक्रीज़ भी होती जा रही हैं, और बग्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और प्रॉस जो अच्छी चीज़ें हैं वो जो है वो हट रही हैं। इसकी एक चीज़ मुझे और ज़्यादा बेकार लग रही है कि अगर आप इसके मेन्यू को खोलते हो और बंद करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मेन्यू को खोल के थोड़ा सा नीचे जाते हो और फिर बंद करने की कोशिश करते हो उसको जेस्चर्स से, तो ये जो है वो काम ही नहीं करता है, ये नीचे ही नहीं जाती है। व्हाट इज दिस? उसके साथ साथ किसी वाले ऐप को एंड्रॉइड 11 के अंदर जो है वो हटाना चाहते थे, तो फिर आपको बस एक स्लाइडिंग जेस्चर करना पड़ता था और ये जो है वो हट जाता था उस वाले जेस्चर से, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्लाइड करते हो तो ये स्लाइड ही नहीं होता, ये जाता ही नहीं है स्क्रीन के ऊपर से, और फिर अगर आप रिमूव करना चाहते हो उसको तो फिर आपको जो है वो रिमूव करना पड़ेगा और दोबारा से रिमूव पूछेगा, व्हाट इज दिस? एक बार मैंने रिमूव कर दिया तो दोबारा भी अपने आप ही कर दो ना भाई साहब। लेकिन ऐसे छोटे मोटे फीचर जो है आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप जो है वो कलर OS चला रहे हो, ना कि ऑक्सीजन OS 12। साथ साथ एक और चीज जो ये करता है काफी ज्यादा अनोइंग है, वो ये है कि ये जो है वो रीसेंट्स ऐप के अंदर से आपको जो डिफॉल्ट ऐप होता है, जैसे आप क्लोज ऑल करते हो तो वो वाला ऐप जो है वो रह जाता है, और क्लोज ऑल करने की अजीब सी आवाज भी आती है, वो वाली आवाज़ भी जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये जो है वो आपको याद दिलाती है कि ये जो है वो एक कलर OS की बिल्ड है। ओवरऑल जो UI की स्मूथनेस है वो भी जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और अब जो है वॉल पर जूम इन जूम आउट होना जो है वो काम कर चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जूम इन जूम आउट हो रहा है, इसके अंदर भी एक हल्का सा जर्क जो है वो आ रहा है, लेकिन जब मैं इसका ऐप ड्रॉर खोलता हूं तो उसके अंदर जो है मुझको हल्के फुल्के लैग्स जो है महसूस होता है, ऐसा लगता नहीं कि 120 हर्ट्ज़ पे जो है वो क्लॉक्ड है। और ऐसा सिर्फ ऐप ड्रॉर में नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है मुझे स्मूथनेस की जो है वो दिक्कत आ रही है।
ये जो है वो अभी ओवरऑल स्मूथ जो है वो नहीं चल रहा है जैसे ये एंड्रॉइड 11 में चलता था। तो अगर बात करूँ इसकी सेटिंग्स की, तो फिर सेटिंग्स जो है वो काफी ज्यादा लेवल पे एंड्रॉइड 11 से जो है वो मिलती जुलती लगती हैं, कलर ओएस जैसी नहीं लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सारे के सारे फीचर जो है वो एक एक जो है वो नोटिस कर सकते हो कि कलर ओएस से जो है वो मिलता है। और पर्सनलाइजेशन के अंदर कलर्स के अंदर जाऊँ तो वन प्लस की ब्लैक और रेड वाली टोन जो है वो चलती थी, वो जो है बहुत प्यारी लगती थी, तो वो वाली टोन जो है इन्होंने बिल्कुल हटा दिया और यहाँ से जो है वो अपने कलर्स सेट कर सकते हो। अभी भी जो है वॉलपेपर से ऑटोमेटिकली कलर जो है वो पिक नहीं करता जैसे कि कलर ओएस के अंदर करता है और अपने पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर करता है, लेकिन यहाँ से जो है वो अपना डिफॉल्ट कलर जो है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे RGB रिंग जो है वो आ जाती है। और उसके साथ ही सबसे ज्यादा बेकार और घटिया फीचर यहाँ पे आपको थीम्स का देखने को मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वन प्लस जो है ऐसे फीचर्स क्यों दे रहा है लगातार, अगर वो स्टॉक टू एंड्रॉइड जो है वो रखना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो लोग रखना चाहते हैं। थीम्स के अंदर आपको वाकई में एक नंबर की घटिया मवाली थीम्स जो है वो देखने को मिलती है, जो कि कोई सा भी वन प्लस यूजर्स अपने स्मार्टफोन पे जो है वो नहीं लगाएगा। ये जो है वो ओप्पो वाले लगाते हैं, कलर ओएस वीवो वाले जो है वो लगाते हैं, बट अपेरेंटली ये वाली चीजें कोई सा भी जो वन प्लस का स्टॉक जो फैन बेस है वो कभी भी ऐसे चीजें जो है वो यूज नहीं करेगा। और ये वाली चीज इस वाले फोन में देखने से मुझे वाकई में लगता है कि दीवार पे दे मारूं मैं इस फोन को। इस वजह से आप देख सकते हो एंड्रॉइड 11 के अंदर आप जो है वो एक एक ऐप को कस्टमाइज कर सकते थे, मतलब कि अगर आप इसके अंदर जाके एडिट के ऊपर दबाओगे तो फिर यहाँ से आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते थे दुनिया भर के आइकन्स के अंदर से, और यहाँ तक कि नाम भी चेंज कर सकते थे। तो वैसा फीचर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। आप इसको दबाते हो तो कोई सा भी एडिट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। आप सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे आइकन्स को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी पर्सनलाइजेशन के अंदर जाके। आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आर्ट प्लस आइकन्स के अंदर आप शेप वगैरह डिसाइड कर सकते हो, और आप आइकन को कितना ज़्यादा जो है वो राउंड रखना चाहते हो, कितना ज़्यादा स्क्वायर रखना चाहते हो। जैसे कि लोग देख सकते हो ये जो है वो शेप बदल रहे हैं अपनी लगातार मेरे स्लाइड करने से, तो आप जो है वो चीज़ भी कर सकते हो। शो एपनेस वगैरह वो चिंदी चीज़ें जो छोटी मोटी आप चेंज कर सकते हो वही चेंज कर सकते हो, बाकी आप कुछ भी आइकन्स कुछ है वो नॉर्मल लेवल्स पे चेंज नहीं कर सकते। और कभी कभी जो है वो अपनी ऑलवेज ऑन स्क्रीन जो है वो काम भी नहीं करती। अब जैसे कि लोग देख सकते हो कि ऑलवेज ऑन स्क्रीन जो है वो बंद हो गई है, तो इसका क्या फायदा है? मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि वो ऑलवेज ऑन रहे ना कि बंद हो जाए, लेकिन ये जैसे कि लोग देख सकते हो बंद हो चुकी है स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं टैप वगैरह करूंगा बटन वगैरह दबाऊंगा तब भी जो है वो कुछ भी नहीं आता थोड़ी देर तक, और उसके बाद जो है वो आता है। काफी ज्यादा चीजें जो है इन्होंने मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस से अलग हटके जो है वो दूसरे ओएस से चुराई है। जैसे कि ये मेरा आईफोन है, अब आईफोन के ऊपर मैं दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे विजेट वगैरह अगर मुझे ऐड करना होता है तो यहाँ कोने में जो है वो प्लस का आइकन आता है जहां से मैं विजेट्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकता हूँ अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। तो यही वाली चीज जो है वो आपको इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। जैसे मैं इसको दबा के रखता हूँ तो यहाँ ऊपर जो है वो प्लस का आइकन आता है और उसके बाद में विजेट्स ऐड कर सकता हूँ। ये इनको यहीं पर ही दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चिंदी फीचर्स जो है वो इन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि ट्रांजिशन मेरे किस काम का, मतलब मैंने आज तक कभी ये फीचर जो है वो यूज़ नहीं करा और किसी भी वन प्लस यूजर ने जो है वो यूज़ नहीं करा होगा। और सारे के सारे जो स्टॉक एंड्रॉइड लवर होते हैं वो इस वाली बात से एग्री करेंगे कि ये फीचर किसी काम का नहीं है और ये इन्होंने यहाँ मेन सेटिंग के अंदर जो है वो दे रखा है। आई जस्ट डोंट गेट इट। उसके साथ साथ आपको ऐप अनइंस्टॉल की भी जो है वो आवाज़ देखने को मिलती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पसंद होगी। अगर आप इसको जो है वो अनइंस्टॉल करते हो तो एक अजीब सी शू करके आवाज़ आती है। आई जस्ट डोंट गेट इट कि क्यों आती है ये आवाज़ें, ये छोटी मोटी आवाज़ें, मतलब कि इसकी UI की आवाज़ें भी जो है वो ऑन थी। मैं कुछ भी टैप करता था कुछ भी टच करता था तो उसकी भी आवाज़ें आती थी अजीबो गरीब। उसको मैंने लिटरली सेटिंग में जाके बंद करा है। और एक और अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस करी कि आप कोई सा भी कंटेंट जो है वो ब्राउज करते हो तो अगर पोर्ट्रेट मोड में चल रहा है तो फिर आपको जो है वो कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको लैंडस्केप मोड के अंदर करोगे तो फिर आप जो है वो कुछ भी एसेस नहीं कर पाओगे स्क्रीन के बारे में। सॉरी, वीडियो को पॉज कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँ, मतलब I just don't get it। कुछ फीचर जो है अब क्या करूं मैं इसका, मतलब कुछ स्क्रीन के ऊपर आ ही नहीं रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि अब मेरे को होम वगैरह करना पड़ेगा उसके बाद में जो है वो कुछ एसेस कर पाऊंगा। हालांकि इस वाले अपडेट के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स करी है, जैसे कि आप अबाउट डिवाइस के अंदर जाके जो है वो स्नैपड्रैगन 888 देख सकते हो। पहले यहाँ पे जो है वो स्नैपड्रैगन 855 आता था और आप यहाँ पे 12 बजाओगे तब जाके आपको पता पड़ेगा कि आप वाकई में जो है वो एंड्रॉयड 12 चला रहे हो, वरना आपको नहीं पता पड़ेगा कि आप एंड्रॉयड 12 चला रहे हो। आपको लिटरली लगेगा कि मैं जो है वो एंड्रॉयड 11 ही चला रहा हूँ अपने स्मार्टफोन के अंदर। और यही चीज़ मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा लेवल के ऊपर जो है वो दिमाग खराब करती है। मतलब वन प्लस जो है वो इन्वेस्टिंग तो कर रहा है भयंकर वाली, वो NFT वगैरह निकाल रहे हैं, दुनिया भर के पैसे कमाने की टेक्निक्स देख रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब अनगिनत। लेकिन अपना जो OS है, जो एक आइडेंटिटी है आपके पास में, जो एक आपको डिफाइन करती है आपको जो है वो दूसरी
कंपनी से अलग रखती है, आप उसी के अंदर जो है वो पंती कर रहे हो, आप उसी को ही जो है बिगाड़ रहे हो। और यही एक वजह है कि अब ये फ़ोन जो है वो वन प्लस का फ़ोन नहीं रहा है, अब ये वाला फ़ोन जो है एक फ़ोन है, एक नॉर्मल फ़ोन। और ये वाली चीज़ जो है वो मेरे जैसे यूज़र्स जो कि स्टॉक एंड्रॉयड लवर्स होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा टफ स्पॉट में जो है वो डालती है, क्योंकि अपन को जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए और वन प्लस जो है वो ऑफर करता था फीचर्स के साथ में ऑक्सीजन ओएस के अंदर। लेकिन अब जैसे जैसे वन प्लस जो है ये वाला घटिया वाला ट्रांजिशन दिखा रही है, तो अब अपन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब या तो अपन आईफोन्स वगैरह पर जाएँ या फिर अपन सैमसंग वगैरह में जाएँ जिनमें वन यूआई आती है। तो अगर गूगल की स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए तो फिर अपने को पिक्सल लेना पड़ेगा, लेकिन पिक्सल तो इंडिया के अंदर अवेलेबल है ही नहीं। मतलब अगर अमेजोन वगैरह पे भी मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, और अगर आप उसको ले भी लोगे उसके बावजूद आपको सर्विस वगैरह में दिक्कत आएगी, डिस्प्ले टूट गई तो भूल जाओ उस वाले स्मार्टफोन को, तो इतने सारे पैसे खर्च करना उस वाले स्मार्टफोन में मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन पिक्सल 6 प्रो वगैरह और पिक्सल 6 जो है वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपन पिक्सल 5 वगैरह लें जो कि एक साल पुराना टेक है और उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। हालांकि इसके अंदर जो है वो मोटो X30 नाम का स्मार्टफोन जो है वो आ रहा है जो कि आपको 95% जो है वो स्टॉक एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करता है। एंड्रॉयड 12 के अंदर आपको जो है वो मैक्सिमम चीज़ें जो कि आपको पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर देखने को मिलती हैं वो जो है वो उस वाले फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है मोटोरोला की तरफ से। तो इस वाली टाइम पर मोटोरोला के पास में एक ऐसा हथियार है जिसको वो अपने फायदे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो मोटो दबती आई है ऐसी ब्रांड से, और अब जो है वो मोटो वाकई में आगे निकल सकती है अगर वो अपना दिमाग जो है वो सही से लड़ाए। एक अच्छा सा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला अच्छा सा भारी भरकम कैमरे वाला एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन अगर वो रिलीज़ करते हैं तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है वन प्लस को दबा के आगे निकल जाएंगे। चलो हो गई बहुत सारी गालियाँ वालियाँ वाली बात, अब जो है अपन इसके प्रोस के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अच्छे फीचर्स जो है वो आपको एंड्रॉयड 12 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप बैटरी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे जो है आपको नई वाली यूआई देखने को मिलती है, बिल्कुल डिट्टो कलर ओएस वाली यूआई है। और इसके अंदर अगर आप एडवांस सेटिंग में जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस मोड जो है वो देखने को मिलता है, जो कि आपके अंदर के स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर से जो है वो बिल्कुल 100% लेवल पर उसको यूज़ करता है। आप इसको ऑन करते हो तो ये बोलता भी है कि आप जो है वो बैटरी वगैरह खो सकते हो, हाई परफॉर्मेंस मोड के अंदर बैटरी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ आपको डार्क मोड के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर डार्क मोड ऑन करते हो और डार्क मोड सेटिंग में जाते हो तो फिर आपको बिल्कुल इनहेंस डार्क मोड देखने को मिलता है, इसके अंदर एक ट्रू ब्लैक देता है एमोलेड डिस्प्ले का फायदा उठाते हुए, एक मीडियम डार्क मोड देता है और एक जेंटल डार्क मोड देता है। वन प्लस शेल्फ के बारे में जो है मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर भी जो है वो आप जो है वो काफी सारी चीजें देख सकते हो। साथ साथ बात करूं गैलरी की तो गैलरी भी जो है वो आपको नए फीचर्स जो है वो ऑफर करती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जूम इन जूम आउट करते हो तो फिर फोटो का लेआउट जो है बदलता है, लेकिन इसके अंदर बग है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ज्यादा जूम इन करता हूं तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और फिर यहां पर जो है आपको वापस फोटोज देखना स्टार्ट होती हैं और यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा और यहां पर वापस फोटोज देखना स्टार्ट होती हैं। तो ये वाली चीज जो है वो आपको गैलरी के अंदर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आपको नई वाली कैनवस एओडी के अंदर भी जो है वो कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, और अब जो है वो ऑप्शंस को जो है वो एसेस कर सकते हो क्योंकि किस तरीके की कैनवस एओडी जो है वो चाहिए, और आप इसका प्रीव्यू भी जो है वो देख सकते हो। मेरे ख्याल से ये वाली वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी बन चुकी है, मैं इसको और ज्यादा लंबा जो है वो नहीं बनाना चाहता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना है। दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।